नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बार बार कहते हैं, लोगों का लालच, जमीनी विवाद कहीं ना कहीं रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देते हैं। इसी तरह की एक घटना हमारे सामने आई कल लगातार सोशल मीडिया पर, एक वीडियो जो वायरल हो रहा। आप जनता जो सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डाले, किस तरह से को लेकर एक महिला के साथ उसी के अपनों ने की है बर्बरता, और किस बुरी हालत में इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। पर ये भी जरूर बताना चाहेंगे कि एक जमीनी विवाद था, कि क्योंकि कई बार हमने देखा कि जमीनी विवाद को लेकर लोग एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाते हैं। पर इसी तरह की घटना जो है ये रतनाल इलाके, जो बिश्नाह क्षेत्र में पड़ता है, वहां की है, जहां पर अपनी भाभी को बंधक बनाया गया, कमरे में बंद किया गया, उसके साथ मारपीट की। और देखिए, मारपीट की जो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, कितनी बुरी तरह से मारा हुआ है। और उसके बाद आज परिजनों और छोटे बच्चे थे, एक बच्ची जो उनकी 8 साल की और 5 साल की थी, उसके सामने उसकी मां को बर्बरता की, उसके साथ मारा गया, उसे कमरे में बंद किया गया। हमने अभी सरपंच से भी बात की तो उन्होंने कहा, जब मैं वहां गया, बच्ची बुलाने आई, जब मैं वहां गया, अनुराधा को कमरे में बंद किया गया था। क्या कानून के तहत लिहाज से क्या यह सही है? आखिर जमीनी विवाद के चलते आप लोगों की आंखों इतनी सफेद क्यों हो जाती है? आप रिश्तों की मर्यादा को क्यों भूल जाते हैं? चलिए, समय अनुराधा के पति हमारे साथ, उनके पिता भी हैं, जानते हैं इनसे क्या है, पूरी बात क्या है। भैया, क्या नाम है आपके, पहले बताइए। मेरा नाम शील कुमार है जी। शील जी, पूरी बात बताइए, क्या हुआ था, किस मैं, तरह मैं सुबह हम 8:30 बजे मैं ऑफिस के लिए निकला, हम चले गए, बच्चों का टाइम था 10:30 बजे ट्यूशन का। मेरी वाइफ ने स्कूटी निकाली, बाहर लगाई, बच्चों को बोला कि चलो जल्दी लॉक करना है, तो चलो चलते बैग लेके निकले वो बाहर। जैसे बैग लेके वो बाहर निकले, उधर से अश्विनी कुमार, सुनील कुमार और मुस्कान देवी, ये कौन है? ये मेरे दो बड़े भाई हैं और बड़ी भाभी है। वो आए, उन्होंने जैसे अश्विनी कुमार ने बालों से पकड़ा मेरी वाइफ को, और सुनील कुमार ने टांगों से पकड़ा, उठा के अपने रूम में ले गए, अपने रूम में ले गए। वहाँ से जो सुनील कुमार की वाइफ है ज्योति, और एक मेरे चाचा का लड़का है, वो भी फैक्ट्री में गया हुआ था, उसकी बीवी सोनिया, वो भी, इन्होंने तीनों ने क्या किया, मेरी वाइफ को अंदर रख दिया रूम में, और मेरे बड़ा भाई और मेरा जो छोटा भाई, दोनों वो दोनों निकल के बाहर, और उसको बोला अपनी तीनों उनको कि आप अब जितना मारना ना, आपने जो करना कर लो इसके साथ। उन्होंने इतना मारा ना, आपने देख लिया फोटो, फिर से आप देखिए, हाँ, देखो किस हिसाब से उन्होंने मारा, इतना मारा है ना कि क्या क्या इतना रंजिश आपके अंदर की उनकी इतनी नफरत भरी हुई। मैम, हमारा अभी फरवरी महीने में हमारा फैमिली सेटलमेंट हुआ था हमारा, कि हमें जो जमीन है पूरी बराबर बराबर मिली थी हमें, मगर इन्होंने क्या किया, अब जब हम घर बनाने लगे, हमें घर नहीं बनाने दे रहे हैं, दीवार देनी थी दीवार नहीं देने दे रहे। ये देखो हमारा ये पेपर है, ये हमारा गवर्नमेंट कोर्ट से हमारा एग्रीमेंट हुआ है, सारा सप्लीमेंट हुआ है हमारा। फिर उसके बाद जब आपको कैसे पता चला कि घर में आप थे क्या? नहीं, मैं घर पे नहीं था, मैं ऑफिस में था। फिर मेरी बेटी ने फोन किया अपने नानू को, उसने बोला कि नानू ऐसे ऐसे बात है, मम्मा को अंदर ले गए हैं, मार रहे हैं वो। फिर मुझे पापा ने फोन किया ऑफिस में कि ऐसे ऐसे बात होगी बेटा, अब जल्दी घर आ जाओ। मैं जब घर आया, आगे अनुराधा ऐसे अपने गेट पे ही ऐसे पड़ी हुई है, लेटी हुई है। फिर मैंने उठाया, मैंने लेके गया पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया, बोलते उनको भी लगी है। वहां पर उनकी आप लगी हुई देख रहे हो, मगर जो गाड़ी में पड़ी है, जो गाड़ी में, उन्होंने देखा भी नहीं इसको, अनुराधा को देखा भी नहीं, ऐसा चुने, बोलता उनको भी लगी है। मां, आपने उसको देखा, पहले उसकी हालत देखो, बोलता मैं नहीं देखूंगा, जो देखना है कर लो यार, जो करना आप करो, बोलता ये वो। तब मुझे हम बाहर आ गए, फिर अनुराधा ने बताया किस तरह से मारा था। हाँ, अनुराधा ने बताया वहां पे, मगर ऐसा चुनो कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे मैं बाहर आया, सुनील कुमार दिखा मुझे, बोलता क्या कर लेगा ऐसा चो, 1,00,000 रुपया फेंक के आया हूँ उसके मुंह पे, अब भी बोला क्या कर लेगा ऐसा चो, कुछ नहीं करेगा। मगर ऐसा चुने अभी तक एक बंदा, हम बख्शी नगर से कल से 10:30 बजे का जो केस हुआ है, अभी पुलिस कोई आई, कुछ पुलिस नहीं आया, कोई बंदा पूछने नहीं आया, एमएससी हुआ भाई, कोई पूछने नहीं आया, क्या हाल है, क्या देखा है, क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई नहीं देखने आया, कुछ भी कोई नहीं पूछा, किसी ने कोई कॉल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हम दूसरे पक्ष जो इस समय में देख रहे होंगे, जो दूसरे पक्ष जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने मारा, और सामने तस्वीरें देख रही हैं आपको, अगर उन्हें भी अपनी बात रखना है हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आपका भी वेलकम है, आप भी आइए, सवाल हमारे होंगे, जवाब आप दीजिएगा। चलिए, इनके पिताजी से, अनुराधा के पिताजी, सर आप कब पहुंचे, आपको क्या देखा आपने वहां पर जाकर? बात ऐसे है कि छोटी बेटी ने किया था फोन, बेटी की बेटी जो 8 साल की बच्ची है, हाँ, नानू मम्मा को ले गए वो, तो मार रहे वो। आप रोई मत अंकल, आप रोई मत। उसके बाद मैंने वहां से गाड़ी ली जी, सीधा दौड़ के आया। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं बिश्नाह में। बिश्नाह से फिर आप रतनाल आए? नहीं, मैं ठंडी खुई गया था जी।
जो वहाँ सुन रहे थे सत्संग भी, उन्होंने पूछा क्या बात होगी, मैंने कहा ऐसे बाल होगी, वो भी मेरे पीछे भागे हैं। उन्होंने जब पूछा कि क्या बात हुई है, किसी ने नहीं ये बात बोली, मोहल्लों में वाले ने भी किसी ने जाकर के पूछा क्या हो गया क्या नहीं। इनके जो नायब सरपंच सरपंच वो बता रहे हैं, वार्ड मेंबर बता रहे हैं, उन्होंने खुद जा करके इसको अंदर से छुड़ाए गए हैं। हम हॉस्पिटल में वहाँ इसके एक्सरे वगैरह ले लिए हैं, उन्होंने रेफर कर दिया यहाँ पे। यहाँ रेफर किया तो मैंने क्या किया, गाड़ी में बैठाया, सीधा थाने चला गया। आगे से आ रहा था कौन से जो थाने से निकला था, ये नहीं मुझे पता कि कहाँ का अच्छा कहाँ का नहीं। मैंने उसको हाल दिया, रोका मैंने, उसने भी रोका है, मगर उसने मैंने बताया, मैंने कहा सर एक मिनट इसकी हालत देखो क्या है क्या नहीं, उसके बाद जो करना आपकी मर्जी है। कहता आप चलो मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो नहीं आया, SHO अंदर खड़ा था, मैं गया हूँ SHO के पास। मैंने कहा सर एक मिनट आप चलिए मेरे साथ, गाड़ी में बैठे हैं, उसकी हालत देखिए। कहता आप उनके घर में क्या लेने गए थे, आप उनके घर में बदमाश लेकर के गए थे। मैम अगर बाय द वे मेरी बेटी थी, किसी मेरे सज्जन मित्र ने सुना कि SHO से बात होगी, वो उसका पता लेने नहीं आएगा, उल्टे उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं आगे से। ये देखो जी इन्होंने बदमाश लाए थे, ये तो कह रहे हैं इनके पति के उन्हें उसे घसीट के उठा के लेके गए कमरे में, क्योंकि ये तो उसने भी एडमिट किया, आपके सरपंच ने भी बताया कि उसको सरपंच ने उस टाइम मैं वहाँ नहीं था जब ले गए हैं, अगर मैं वहाँ होता फिर लेने देता था उनको। जब उन्होंने अंदर से सुड़ा करके बाहर लाए ना, तब पहुंचा, तब मैं पहुंचा वहाँ। तो फिर जब मैंने इसकी हालत देखी, मैंने कहा बेटा आप इधर आकर के मरना है तो आपने इनके अंदर ही मरना था। जब ये बात हो गई तो फिर ये भी जा पहुंचा, हमने क्या किया उसको उठाया गाड़ी में बैठाया, तो जो मेरे साथ वो मेरे दोस्त गए थे उन्होंने बोला थाने चलो चलो। थाने लेकर के गए, आगे इनकी जो भाभी है वो पहले ही पहुंची हुई है, ड्रामे कर रही है वहां जाकर के। तो उन्होंने बंदा लगाया साथ, बोलता है मुंशी बोल रहा है जाओ जा करके इसका मेडिकल कराओ। मैंने कहा मेडिकल भैया आप कराओ इसका, हम तो करवाएंगे आप करवाओ। उन्होंने एक बंदा लगाया पीछे ना चल गया। ऑनरेबल कोर्ट से एग्रीमेंट हो गया, फिर लड़ाई किस बात की थी? बात अब पता नहीं जी, हमें तो इस चीज का पता नहीं है। वो थ्रेट देता है इसको मारने के लिए, भी गए थे परसों फैक्ट्री में, फैक्ट्री में भाई भाइयों को दुश्मन तो नहीं रहा, फैक्ट्री में भी मुझे मारने आ गए थे, मगर फैक्ट्री वालों ने तो अंदर नहीं आने दिया उनको। ये आपने उन्हें बोला कि इसको बाहर भेजो, उन्होंने बोला क्या करना है, बोला हमें बात करनी है। तो मैं गेट पे खड़ा था, उनको बोला बाहर आ, आज मैं द्राट लेके आया, तुझे काट देना हमने जहाँ पे ही। वो तो फिर फैक्ट्री वालों बोला कि आपने बाहर नहीं जाना, आप अंदर ही रहो, आपको नहीं है। फिर हमारे जो HR वहाँ के वो आए, वो उन्होंने बोला SHO जो बिश्ना है उनसे बात करते हैं, आबिद जी से बात करते हैं कि आखिर इस केस के ऊपर क्या उनका कहना और किस तरह की कार्रवाई हुई है। हेलो जी जी, नमस्कार आबिद सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप ये बताइए कि एक केस आया है कल का आपका, रतनाल इलाके का, बिश्ना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है वो, अनुराधा का, जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है बुरी तरह से। जी जी हाँ, केस रजिस्टर हो गया, कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई करी सर, यहाँ पे स्टेटमेंट लेने कोई आपका आया पुलिस कर्मी? उनकी स्टेटमेंट बिश्ना में ही ले ली थी हमने। जी जी जी, उनकी ऑलरेडी उतरी है जी। बुरी तरह से सर, बहुत बुरी तरह से मारा है आप, चल गया मैम उनका पत्ते जी, लग गया। तो अभी किसी से पूछताछ की गई, किसी को डिटेन किया? उनको बंदों को डिटेन कर दिया, उनको लाके कर दिया डिटेन आपने? चलिए धन्यवाद सर, ये उम्मीद करते हैं कि निष्पक्षता से जांच हो। चलिए देखिए, जब इनका कोर्ट का एग्रीमेंट हो गया, तीनों भाइयों का अलग हो गया, वो एग्रीमेंट इनके पास है ऑनरेबल कोर्ट का, फिर लड़ाई किस बात की हमें भी समझ नहीं। और एक महिला को, क्योंकि हमारे पास इस समय RDO भी है, जो यहाँ के सरपंच साहब ने कहा कि जब मुझे उनकी छोटी बेटी बुलाने आई थी तो अनुराधा को इन्होंने अपने जो इनके भाई हैं अनुराधा के जेठ हैं उन्होंने अपने कमरे में बंद किया हुआ था, तो ये भी तो गैर कानूनी है ना, एक महिला को आप बंद करते हो, बंदी बनाते हो और बुरी तरह से पीटा हुआ। दोनों भाई हैं और दोनों वो एक फैमिली मैटर है, इनका डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का ही चला रहा था। बिल्कुल सर, मैं हम कहते हैं कुछ भी हो, कानून को कोई हाथ में थोड़ी ले सकता है डिस्प्यूट चाहिए, और महिला के ऊपर इस तरह से अभद्र व्यवहार करना, इसका मारना। जी जी, FIR लगी मैम, कर रहे जी जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
ये SHO अभी थे, ये कह रहे हैं FIR लगी है, इन्होंने ऑन कैमरा कहा है, और इन्होंने ये भी कहा कि लोगों उन लोगों को जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम जो लगे हैं, जिन्होंने मार पिटाई की, उन्हें डिटेन भी किया गया। चलिए अब देखते हैं, हम भी हो सकता है वहाँ पर विजिट करें, देखें कि किया नहीं किया, पर फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, हम बार बार कहते हैं इतना लालच मत कीजिए, यानी कि ज़मीन जायदादें सब रह जानी है, राजे महाराजे आज जिनका नाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा किया था, गरीबों की बात सुनते थे, आज लोगों के दिलों में भी उम्र है, पर वहीं पर ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं जगह ज़मीन जायदादों के लिए अपने रिश्तों की मर्यादा भूल जाते हैं, और वो भी इस महिला को किस तरह से पिटाई की है, आप ये वीडियो फिर से एक बार देखिएगा और बताइएगा क्या ये सही है, ये ज़रूर कहेंगे अगर दूसरा पक्ष देख रहा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो दूसरा पक्ष होता है उन्हीं के कोई करता दत्ता यहाँ पर आ जाते हैं और कमेंट गलत करते हैं, तो आप अपनी हमारी गलतियाँ निकाल सकते हैं, आपको खबर नहीं पसंद आई वो लिख सकते हैं, और अभद्र भाषा का अगर किसी ने भी प्रयोग किया ना तो वो बख्शा नहीं जाएगा जना, वो सीधा हम कंप्लेन करेंगे अगर कोई भी, पर हम ये ज़रूर कहते हैं जब भी इस तरह की स्टोरी हम करते हैं, हम ये ज़रूर कहते हैं दूसरा पक्ष भी अगर हमारे माध्यम से अपनी बात रखना चाहता है तो उन्हें भी हमारे मंच पर आने का उतना ही अधिकार है जितना कि इस पक्ष को। अगर आपको लगता है कि इन्होंने झूठ बोला, क्योंकि साक्ष्य हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है, कोई खुद को तो इस तरह से नहीं मारेगा कि अनुराधा की जिस तरह से प्लास्टर हुआ है, इसके जो शरीर पर निशान है, ये खुद तो कोई अपने आप को हार्म नहीं करेगा, पर ये जरूर कहेंगे पुलिस के अधिकारियों से कि वहां के SHO ऑफिस है कि निष्पक्षता से जांच कीजिए और जो लोग वाकई दोषी हैं उन्हें कहीं ना कहीं निकेल कसी जाए, पर ये जरूर कहेंगे बार बार कहेंगे कि जमीन जायदाद के दरार मत डालिए, अपने मन में मतभेद हो मनभेद ना रखिए, अगर जब मनभेद रखेंगे तो इसी तरह की घटनाएं सामने आती। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।